हनुमानगढ़ की नुहर अनाज मंडी में पीसीसी सदस्य राजेंद्र की अध्यक्षता में कांग्रेस जनसभा की एक बैठक आयोजित की गई। दीपेंद्र हुड्डा और काजी निजामुद्दीन ने यहां करीब 600 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही जनसभा में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार प्रजातंत्र का गला घोंट रही है, प्रजातंत्र खतरे में है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में डबल इंजन की सरकार का हर्ष हरियाणा की जनता देख रही है, हरियाणा विकास की पटरी से उतर चुका है। आज नोहर में लगभग 60 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया, जिसमें हमारे राज्यसभा सांसद CWC के मेंबर श्रीमान दीपेंद्र हुड्डा जी, राजस्थान के सह प्रभारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन सचिव काजी निजामुद्दीन जी, सादुलपुर की विधायक बहन कृष्णा पूनिया जी के साथ तमाम जनप्रतिनिधि ने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया, जिसमें मुख्य काम कृषि कॉलेज का 9.5 करोड़ के भवन का शिलान्यास, राज्य कर के सहायक आयुक्त के भवन का लोकार्पण, स्टेडियम में जो 1.25 करोड़ से इंडोर हॉल बना है उसका लोकार्पण किया गया। हरियाणा में क्या रहेगा, गठबंधन टूट सकता है? जेजेपी का गठबंधन टूट सकता है? ऐसी चर्चाएं सत्य बांध देते हैं।